يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة स्टेज पे जलवा अफरोज उलमाए किराम हाजरीन अज़ाम ख़वातीन मिल्लत अज़ीज़ बच्चों कई सालों से बराबर मेरा बरहेट की सरजमीन और यहाँ झारखंड की सरजमीन में आना जाना है। बहुत कुछ सोच के आया था लेकिन मामला यूं हुआ कि मुझे जल्दी निकलना पड़ रहा है इसलिए कि मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई, फ्लाइट पकड़नी है। फिर भी मैं बगैर सुनाए तो जाने वाला नहीं, शायद उतना वक्त न दे सकूं। देखिए, इससे पहले जब हम आया करते थे लॉकडाउन से पहले, यहां की मारूफ और मशहूर शख्सियत सदर जनाब उम्मीद अली साहब का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आता, उलमा के इस्तकबाल में आप पेश पेश रहते थे। लेकिन इस लॉकडाउन ने कैसे कैसे लोगों को हमसे छीन लिया। जितने भी उलमा और हमारे मेहमानाने गिरामी आए, सबों ने हमारे सदर साहब को खिराज अकीदत पेश किया है अपने अपने अंदाज में। मैं चूंकि एक मुकर्रर होने के साथ साथ शेर व शायरी से भी मेरा ताल्लुक़ है, मैं अशआर खुद लिखता हूँ और खुद पढ़ता भी हूँ, तो मैं अपने अंदाज में यहाँ की मारूफ और मशहूर हरदिल अजीज शख्सियत जनाब उम्मीद अली साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ। सुनिएगा। बरहेट की आन बान थे उम्मीद अली, बरहेट की आन बान थे उम्मीद अली, इस जामिया की शान थे उम्मीद अली, इस जामिया की शान थे उम्मीद अली, आली सिफात आली नसब आली मर्तबत, आली सिफात आली नसब आली मर्तबत, धरती पे आसमान थे उम्मीद अली, बरहेट के आन बान थे उम्मीद अली, इस जामिया की शान थे उम्मीद अली। आज जब हम उन्हें अपने दरमियान नहीं पाते हैं तो बड़ा अजीब सा एहसास होता है और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊं, मैं आप हजरात के लिए एक बिल्कुल इस्लाह माशरा के हवाले से ताज़ा तरीन नज्म जो मैंने रास्ते में लिखी है पहली बार मैं पढ़ने जा रहा हूं, और इस तकरीर इस नज्म की अगर मैं शरह करूं तो शायद घंटों लग जाए। थोड़ा पुरसकून माहौल करिए। पहली बार ये नज्म मैं आपके ये सामने पेश कर रहा हूं, जो अभी मैंने कहीं इसको पढ़ा नहीं है। ये रास्ते में मैंने ये नज्म लिखी है, जो आज माशरे की हालत है और माशरे में जो फैली हुई बुराइयां हैं वो मैंने पूरी तकरीर आप इस नज्म को समझ लीजिए कि बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, इबादत मेरी आकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, नमाजों से नहीं नाता न रोजों से ताल्लुक है। आज जलसा सुनने के लिए इतनी भीड़ आई है लेकिन कितने लोग यहां से जाने के बाद नमाजों की पाबंदी करेंगे। नमाजों से नहीं नाता न रोजों से ताल्लुक है, नमाजों से नहीं
ताल्लुक है, कहीं ये दीन बेजारी तुझे बर्बाद ना कर दे। और लफंगों की तरह आदत, ऊंचकों की तरह खसलत। आज ये मोबाइल फोन लेकर के हमारे नौजवान कानों में ईयरफोन फूस करके गलियों में नुक्कड़ों और चौराहों पे जो लफंगों की तरह जो है दिखाई देते हैं, मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। लफंगों की तरह आदत, उचक्कों की तरह खसलत, रविशिये तेरी बाजारी तुझे बर्बाद ना कर दे। रविशिये तेरी बाजारी तुझे बर्बाद ना कर दे। कभी टिक टाक पे नाचे, कभी यूट्यूब पे थिरके। आज मुस्लिम लड़कियां भी टिक टाक पे नाचती हुई नजर आ रही हैं। कभी टिक टाक पे नाचे, कभी यूट्यूब पे थिरके। कभी टिक टाक पे नाचे, कभी यूट्यूब पे थिरके। कहीं गंदी अदाकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। कहीं गंदी अदाकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। इबादत मेरी आकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। कभी सिगरेट जलाता है, कभी गुटखा चबाता है। ये हमारे माशरे की मैं सच्ची तस्वीर और सच्चा आईना मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे अक्सर नौजवान इस बीमारी में मुब्तला नजर आते हैं। कभी सिगरेट जलाता है, कभी गुटखा चबाता है। कभी सिगरेट जलाता है, कभी गुटखा चबाता है। अरे जालिम नशाखोरी तुझे बर्बाद ना कर दे। खुदा का खौफ कर बंदे, वबा फैली है हर जानिब। दुआ करिए ये वबा, ये कोरोना, ये दुनिया से, इस धरती से खत्म हो जाए। वबा फैली है हर जानिब, खुदा का खौफ कर बंदे। कोरोना ये महामारी तुझे बर्बाद ना कर दे। और ये मक्ते का शेर है। मजालिम बेकसों पे ढाक खुश होता है क्यों अजमल। आज जो ताकत वाले हैं, दौलत वाले हैं, वो बेकसों पे और कमजोरों पे जुल्म ढा रहे हैं। मजालिम बेकसों पे ढाक खुश होता है अजमल। ये ताकत और शहजोरी तुझे बर्बाद ना कर दे। हजरत, मुख्तसर से वक्त में आज मैं आपको अकीदे तौहीद के बारे में कुछ बताऊंगा। आप कहेंगे ये पूरा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे किताब व सुन्नत का बोलबाला है, ये सब तौहीद वाले लोग हैं, है कि नहीं है? आप कहेंगे तौहीद की इस बस्ती में, तौहीद की इस नगरी में अकीदे तौहीद मौलवी साहब आप क्यों सुनाने जा रहे हैं? चूंकि मैंने ये मुशाहदा किया है, आमतौर पे इन इलाकों के जलसों में
तौहीद पे गुफ्तगू बहुत कम होती है। ये सोचकर हम और आप इस खुशगुमानी में रहते हैं कि भैया हम तो ख़ानदानी अहले हदीस हैं, सहीहुल अकीदा लोग हैं, पुश्तीनी अहले हदीस हैं, हमें तौहीद सुनने सुनाने की क्या ज़रूरत है। ये खाम ख्याली है मेरे भाई, तौहीद की ज़रूरत हम सबको है। तौहीद भले हम मुवाहिद हैं लेकिन तौहीद की ज़रूरत सबको है। इसलिए जैसे ईमान के बारे में आता है, ईमान दिलों में पुराना होने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल ईमान ला यखलकु फी सौब अहदिकुम कमा यखलकु सौब फसअलुल्लाह अन युजद्दिद लकुम ईमानकुम। ये ईमान जो है ना दिलों में पुराना होने लगता है। अब हम सब ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबों के सीने में ईमान है, लेकिन ईमान देखो घटता बढ़ता रहता है और ईमान जो है ना पुराना होने लगता है। जैसे कपड़ा कसरत इस्तेमाल के नतीजे में, जब आप कसरत से कपड़ा पहनते हो ना तो पुराना होने लगता है। तो करना क्या पड़ता है, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे लिए ईमान की तजदीद कर दे, ईमान को नया कर दे, नया जोश भर दे, नया वलवला भर दे, और ईमान के चिराग में तेल डालने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ईमान के चिराग की लौ बढ़ जाए, लौ बढ़ जाए। तो ऐसे ही हम सब तौहीद वाले हैं, लेकिन अगर तौहीद का दर्स न दिया जाए, तौहीद को पढ़ा ना जाए, पढ़ाया ना जाए, सुना ना जाए, बताया ना जाए, तो धीरे धीरे फसाद आने लगता है, बिगाड़ आने लगता है, तौहीद दिलों में कमज़ोर पड़ने लगती है और तौहीद में इन्हिराफ आने लगता है। इसीलिए आप देखें अंबिया से पढ़ के किसकी तौहीद मजबूत थी, किसका अकीदा मजबूत था, लेकिन उसके बावजूद भी अकीदे तौहीद की अहमियत देखिए कि हमारे नबी कायनात के इमाम मदनी सरदार को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। तौहीद की अगर इतनी अहमियत ना होती तो मेरे भाई अल्लाह ताला अपने नबी से नहीं कहता फअबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, ऐ नबी अल्लाह की इबादत कीजिए उसके लिए दीन को खालिस करते हुए, इबादत को खालिस करते हुए पे और इबादत करो। ऐ नबी इबादत में मिलावट नहीं होनी चाहिए, शिर्क नहीं होना चाहिए, इसी तरह रियाकारी नहीं होनी चाहिए, कोई नामो नमूद का जज्बा नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कायनात के इमाम मदनी सरदार शिर्क से कितने दूर थे। अरे आप तो शिर्क को मिटाने के लिए आए थे, फिर भी अल्लाह कह रहा है ओ नबी अल्लाह की इबादत करो उसके लिए दीन को खालिस करते हुए। अगर अकीदे तौहीद की इतनी अहमियत न होती तो कायनात के इमाम को अल्लाह ये न कहता लैन शरकता लयहबतन अमलुक वलतकूनन मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके भी सारे आमाल अकारत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और आप खसारा और घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। तौहीद की अहमियत न होती, इमामुल मुवहिदीन हजरत इब्राहिम अल्लाह से रो रो के ये दुआ न करते वजनुबनी व बनिया अन्ना बुदल स्नाम रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन्नास। ओ मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे बच्चों को बुतों की परस्तिश से बचा लेना, इसलिए कि इन्हीं बुतों ने तमाम लोग बहुत से लोगों को हर जमाने में गुमराह किया है। मेरे भाइयों हजरत इब्राहिम तो वो थे जिन्होंने सनम कदा में भी ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारा था। अरे हजरत इब्राहिम तो वो थे जो बुतखाने में जा करके कुल्हाड़ी लेकर के बुतों को जिन्होंने पाश पाश कर दिया था और उसके बाद इतना डर रहे हैं शिर्क से
बुत परस्ती से कि दुआ कर रहे हैं, ओ मेरे मौला, ओ मेरे पाक परवरदिगार, मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा लेना कि हम कहीं बुतों की परस्तिश न करें। मेरे भाइयों, हम खानदानी अहले हदीस होकर के अगर इस खुशगुमानी में बैठे हुए हैं कि अरे हम तो शिर्क के करीब जाने वाले नहीं, हमें अपने बच्चों को ये तौहीद का दर्स देने की क्या ज़रूरत है, शिर्क से डराने की क्या ज़रूरत है। मेरे भाइयों, जाने अनजाने में हमसे भी बसा औकात कभी कभी शिर्किया बातें हम बोल देते हैं, शिर्किया आमाल हम भी कर जाते हैं। एक अहले हदीस ड्राइवर अभी हमको चंद दिनों पहले लेकर के आ रहा था, गाड़ी के सामने से बिल्ली गुजर गई। वो अहले हदीस लड़का कहता है, मौलवी साहब, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कोई मुसीबत आने वाली है, अब आगे सफर जारी रखना मुश्किल है। मैंने कहा, शर्म कर बंदे, तू अपने आप को अहले हदीस कहता है और एक बिल्ली के रास्ता काट देने से तू डर गया, तू कैसा अहले हदीस है। तो मेरे भाइयों, कितने लोग जो अपने आप को मुवाहिद समझते हैं लेकिन उनकी तौहीद कमजोर होती है, ईमान उनका फुसफुसा किस्म का होता है, इसलिए ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, ईमान को सीनों में मजबूत करने की जरूरत है, तौहीद को पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है, तौहीद के दलायल और बराहीन को समझाने की जरूरत है, ताकि हम खुद समझें, अपने बच्चों को तौहीद का दर्स दें। हम अपने आप को मुवाहिद कहते हैं। अभी मैं अगर ये सवाल कर लूं कि वो लोगों बताओ अल्लाह कहाँ है, कितने लोग यही जवाब देंगे, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। मेरे भाइयों, क्या यही तौहीद का मतलब है? अल्लाह को आप हर जगह हाजिर और नाजिर समझते हैं, जबकि अल्लाह सातवें आसमान पे अर्श के ऊपर मुस्तवी है। अल्लाह मेरे भाइयों हर जगह मौजूद नहीं है। कितने अहले हदीसों के घरों में मेरा जाना होता है, मैं बच्चों से सवाल करता हूँ, आपके बाप आलिम दीन है, बेटा ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है? बेटा कहता है, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। उसके बावजूद भी अगर आप ये खुश होते हैं कि हम तो अहले हदीस खानदानी है, हमें तौहीद पढ़ने पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। मेरे भाइयों, तौहीद की अगर ये अहमियत न होती तो हज़रत नूह अपनी वफात के वक्त ये वसीयत न करते, अपने बेटे से कहते, या बुनैया इन्नी आमुरुका बिइस्नैन व अन्हाका अन इस्नैन, ओ मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ों की वसीयत करके जा रहा हूँ। सबसे पहली वसीयत जो मैं कर रहा हूँ, आमुरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की वसीयत कर रहा हूँ। अरे तुम्हें क्या पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? अरे ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो कलमा है, लौ अन्न समावात सब वल अर्ज़ीन सब वुदिअत फी किफ्फा, सातों जमीनों और सातों आसमानों को अगर तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, वला इलाहा इल्लल्लाह फी किफ्फा रजहत बिहिन ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, सातों जमीनों और आसमानों को लेकर के ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा झुक जाएगा। वलवन समावात सब वल अर्ज़ीन सब कुल्ला हलकतम मुभमा, अगर सातों जमीनें और सातों आसमान ये गोल छल्ला बना दिया जाए, सातों जमीनों सातों आसमानों को लेकर के अगर उसको पिघला करके मिक्स करके कोई लोहे का कड़ा और छल्ला बना दिया जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो ताकत है, फसमतहुन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह उसको डायनामेट कर देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह उसको पारा पारा कर देगा, रेजा रेजा और टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन मेरे भाइयों, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं लेकिन इस कलमे का मतलब ही नहीं समझते हैं।
हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। कितने लोगों से अगर मैं अपने नौजवानों बुजुर्गों से पूछ लूं ला इलाहा इल्लल्लाह का हमको माना बता दीजिए, तो कहेंगे हमें नहीं मालूम, या अगर बताएंगे भी तो गलत बताएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का सही माना होता है ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। तो जब हमने ये अकीदा रख लिया कि अल्लाह के लिए कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद बराक नहीं है, तो इबादत होगी तो सिर्फ उसी की होगी। ये सर झुकेगा तो उसी के सामने झुकेगा, ये माथा ये हाथ उठेगा तो उसी के सामने उठेगा, ये माथा टिकेगा तो उसी की दहलीज पे टिकेगा। अगर कुर्बानी होगी तो उसी के नाम की होगी, नजर व न्याज मानी जाएगी तो उसी के नाम की मानी जाएगी, तवाफ किया जाएगा तो उसी के घर का किया जाएगा, अगर चादर और गिलाफ चढ़ेगी तो सिर्फ खाने काबा पे चादर चढ़ेगी। मेरे भाइयों, डरा जाएगा तो अल्लाह से, उम्मीद बांधी जाएगी तो अल्लाह से, बेटा बेटी मांगना है तो अल्लाह से, बीमारी में शिफा मांगनी है तो अल्लाह से, और अगर दौलत मांगनी है तो अल्लाह से, मुसीबत और परेशानी से छुटकारा लेनी है तो सिर्फ अल्लाह को पुकारना होगा। अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई गौस नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। मेरे भाइयों, यही वो तौहीद की दावत है जिसको देकर तमाम अंबिया भेजे गए। वलकद बअथना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन इबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, एक रसूल हर उम्मत में भेजा। तमाम रसूलों की दावत क्या थी? अन इबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और शैतान की परस्तिश से बाज रहना, गैरुल्लाह की परस्तिश से दूर रहना। मेरे भाइयों, आज बैठे बिठाए बगैर किसी मशक्कत के हमें तौहीद की नेमत मिल गई, इसीलिए शायद हम तौहीद की कदर नहीं समझ पा रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते हैं लेकिन इस कलमे का मतलब हम नहीं समझते। ज़बान से विर्द करो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बान से विर्द करो ला इलाहा इल्लल्लाह, खुलू से दिल से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह हम सिर्फ ज़बान से पढ़ते हैं लेकिन ये कलमा हमारे दिल की गहराई में नहीं उतर पाता है। इसलिए मेरे भाइयों, इखलास नीयत के साथ जिस दिन ये कलमा पढ़ोगे तब तुम्हें इस कलमे की बरकत मिलेगी। अगर तुम कलमा तो पढ़ते हो लेकिन अमल नदारद है तो कलमा तुमको फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए मेरे भाइयों, अमल के बगैर तो गाड़ी पार नहीं होगी। ज़बान से विर्द करो ला इलाहा इल्लल्लाह, खुलूस से दिल से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, बिना अमल के तो कलमा नफा नहीं देगा, बिना अमल के तो कलमा नफा नहीं देगा। अमल में चुस्त बनो ला इलाहा इल्लल्लाह, न दस्तगीर न दाता सिवाय रब के कोई, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, कोई गौस नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं अल्लाह के अलावा, न दस्तगीर न दाता सिवाय रब के कोई, दुआ उसी से करो ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय रब के इबादत का मुस्तहिक है कौन। पहली बार मैं पढ़ रहा हूं और ये नज्म भी मैंने रास्ते में आपके लिए लिखी है। मैं दावे से कहता हूं कहीं ये नज्म मेरी आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी। पहली बार मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत में मैंने ये नज्म लिखी है कि सिवाय रब के इबादत का मुस्तहिक है कौन,
इस धरती में मेरे भाइयों, इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई पूजने के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई दस्तगीर नहीं।